देश है जिसमें 40 लाख तक से ज्यादा तरह के फूड खाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। लेकिन ऑफ लेट क्या हुआ कि जब हमारा फूड का फ्यूजन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ शुरू हुआ तो हमने अपने फूड की न्यूट्रिशन को पूरा सा इग्नोर करना शुरू कर दिया। हम लोग जो है फूड में फूड को फ्यूल की तरह देखने लगे। नतीजा क्या हुआ, आज आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज है, बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के लिवर फैटी हैं, और उससे बड़ी बात यह है कि इंडिया इज बिकमिंग अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो लोग कहते हैं इसकी इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं हम लोग, कि एक्सरसाइज नहीं करते लोग। लेकिन अगर आप देखें तो वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दीज डिजीजेस इज कि हमारा खाना ही नहीं है। हमारा खाना तो फ्यूल है कि हमने भरा चल दिए, तो न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान ही नहीं। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, पिछले 15 सालों में बहुत सारे एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करके ये देखना चाहा कि हमारे फूड में न्यूट्रिशन कितनी है। तो जितना भी हम फूड खाते हैं, हमारे फूड में प्रोटीन की कमी है, हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, हमारे फूड में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, हमारे फूड में फैट्स ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट को ये लगा कि लोगों को, देखिए आप कल्चरल फ्यूजन को रोक नहीं सकते। इंडिया का फूड बाहर गया, डोसा बाहर गया, दाल मखनी बाहर गई, ऑर्गेनिक है चाहे वो हनी है चाहे वो हेम्प सीड है, वो आपका फ्यूचर फूड है, हेल्थ फूड है, और इसका आने वाले कदम में बहुत स्कोप होगा। पर दो चीज़ें जो हेम्प के अंदर मुझे दो तीन बातें जो समझ में आई, देखिए कोलेस्ट्रॉल इज अ बिग प्रॉब्लम, डायबिटीज इज अ बिग प्रॉब्लम। तो अगर ओमेगा 3 आपको कोई चीज़ मिलती है जो नेचुरल है, जो कि आपको ये दोनों प्रॉब्लम से कुछ हद तक छुटकारा दिला सकती है, तो उससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है, तो हेम्प हैज दैट पावर। दूसरी चीज अगर आप एक देखें, लोग कोविड के बाद से घर से बाहर नहीं निकलते, धूप में ज्यादा जाते हैं, तो सबके जो जोड़ हैं, जो टांगे हैं, सबके दर्दें होने लगते हैं। 25 साल का लड़का भी जो है लड़ाके चल रहा होता है। तो मैंने खुद यूज करके देखा कि हेम्प ऑयल इज एन इफेक्टिव रेमेडी फॉर आर्थराइटिस, इज एन इफेक्टिव रेमेडी फॉर योर जॉइंट पेन्स। और मैंने ये खुद भी स्टडी किया कि वर्ल्ड में जब कभी किसी को मोस्ट पावरफुल एनाल्जेसिक देना होता है तो उसको हेम्प ऑयल का इंजेक्शन या हेम्प का इंजेक्शन किया जाता है। तो दिस इज व्हाट आई हैव लर्न्ड। तो ये अपने आप में एक बड़ा इफेक्टिव सब्स्टिट्यूट है। तो अभी थोड़े टाइम में किट्स मिलने वाले हैं, उसके अंदर काफी सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं। हेम्प से फ्यूल भी बनता है, जो हम पेट्रोल डीजल कोल का भी संकट, एक कोयला संकट हमारे देश में उत्पन्न हुआ कुछ टाइम पहले, तो एक फ्यूल एक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हेम्प को हम यूज कर सकते हैं। ऐसे कई आई थिंक मेरे ख्याल से मोर देन 100 यूजेस आर देयर फॉर हेम्प। So Bombay Hemp Company is working in various domain and Amrish Pandey is the co-founder and head of R&D in Bombay Hemp Company. So we request him to please share his wisdom of knowledge today. आप इन सबसे questions पूछ सकते हैं। 5-5 मिनट के लिए मेरा request है कि सब लोग आए एक एक करके अपने बारे में बताएं, so that आप इनके बारे में जान लीजिए कि ये किस domain में क्या काम कर रहे हैं, and अपने questions prepare कर लीजिए। Within a half an hour we'll be open the session to all of you for your questions. So without taking much time, and मेरी सारी स्पीकर से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आप संक्षेप में 5 मिनट में अपना वक्तव्य रखें यहाँ पे। आई थिंक डॉक्टर जुनेजा ने ऑलरेडी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है, सो जस्ट टू क्विकली सेट माय नेम इज अवनीश, आई रिप्रेजेंट बॉम्बे हेम्प कंपनी। हमने इस स्पेसिफिक फील्ड में काम 2014-2013 में शुरू किया था विद द परसेप्शन कि मतलब दिस इज अ इंडियन हर्ब, इसका बहुत ही कल्चरल रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहा है इस देश में। बट सिंस 1985 वी हैव हैड टू काइंड ऑफ रेगुलेट कंट्रोल बैन सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ दिस। तो जब हमने शुरू किया तो एक होलिस्टिक हाइपोथेसिस थी कि अगर हम इस प्लांट को अच्छे से ट्रीट करें, अगर इसके हम बेनिफिट्स भी देखें तो काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। हेम्प एंड भांग इज बेसिकली गॉन थ्रू द सेम ग्लोबल जर्नी। It started in our land, the Americans accepted it in a different way, the Europeans accepted it, and today it has come back to India with a big question mark. कि भाई आप ही की पद्धति है, ये आप ही का शोध है, but अभी आप ही इसको हमारे तरफ से regulate करो. So we take this step, I think, across all the industry members, I can speak collectively for on this topic, that we take massive pride that the government has actually looked and acknowledged its own culture. Saying that yes, this is part of the hills, this was part of their dietary requirement, and this also from a scientific perspective makes sense.
also the fact that the government has gone ahead and identified that cannabidiol, which is CBD, वो एक non psychoactive substance है. भले उसका इस act में regulation नहीं है, इस act में खाली health and nutrition के regarding regulation है, but this is a stepping stone towards the government identifying कि इसमें हम काफी चीजें कर सकते हैं. As an industry partner, there are a couple of blockages जो सरकार ने limit set की हुई है, वो थोड़ी stringent है. वो आई थिंक उसको अच्छे से कंटेक्चुअलाइज नहीं करा गया है. जो इंडिया में जो रेगुलेटरी लिमिट है वही सेम लिमिट ऑस्ट्रेलिया में है, वही सेम लिमिट अमेरिका में है. सो दैट क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस अकॉर्डिंग टू अस. दो इट इज एन ओपनिंग बट इट इज नॉट रेडी टू बिकम अ मल्टी थाउजेंड करोर इंडस्ट्री येट. इट इज द फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाइंग दिस. The second step we look at is कि the government has also said कि इसका हमें cultivated source चाहिए. This should be under the NDPS Act के हिसाब से जो rules बने हैं, उस हिसाब से cultivated भांग इसमें होनी चाहिए. But at the same level in India we have all the भांग in the world, but we have zero standardized भांग. So the industry, the research institutions, the other academic think tanks will have to do a lot of work to standardize that hemp seed. Today, India is a net exporter of wheat, a net exporter of sugar, and a net exporter of a lot of other things because we have standardized produce. Because we know कि अगर मैं गुजरात में इतना cotton उगाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा. जहाँ पे मतलब दुनिया के लोगों को पता चले कि this hemp seed is from the Himalayas. Like we have the Assam tea. Everywhere in the world you go, people specifically refer to it as the Darjeeling tea. Or the Assam tea or something. We have the same opportunity with hemp, but I think these are early days. ये शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है. There's a lot of work to be done collectively. And I think the next time we talk about the government making a regulation, we probably have 500 companies in this space and not 50. उसपे ये लोग काफी समय से काम कर रहे हैं. इनका एक focus, इनका एक dedication है उसके लिए. So I request Mr. Karthike to share his views. Thank you. फिर गूगल के थ्रू पता चला कि हेम्प इज समथिंग विच इज नोन टू इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एंड इट डजंट एग्जिस्ट इन इंडिया. एंड दैट्स व्हेन वी ग्रेजुएटेड एंड केम बैक टू इंडिया, देन वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग हेम्प न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स फोर इयर्स बैक. उस टाइम पे देवर ब्रांड्स देवर इम्पोर्टिंग हेम्प न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स एंड देवर वेरी एक्सपेंसिव, not very affordable to the masses. But once we started manufacturing, the prices got down and it got affordable to a lot of people. And in last 3 years, we have also seen there is a 33% drop down in MRPs and making it more affordable to more number of people in India. 5 minutes you can talk. And ये जो pet वाला aspect है इसपे भी जरा थोड़ा सा aware करें हमारे आज media persons को. Thank you. Thank you Dr. Piyush. Thank you Sujit ji. Thank you for this opportunity. It's a great platform to be on and it's the first time where so much of media is present and we can talk about him. जब हम hemp के बारे में बात करते हैं, I think हम सभी बहुत passionate हो जाते हैं, क्योंकि हमारी journey सबकी काफी सालों की रही है. और अब इस पोजीशन पे आना कि अब गवर्नमेंट इसको रिकग्नाइज कर रही है, मीडिया इसके बारे में बात करना शुरू करेगी, तो हमारा काम काफ़ी आसान होने वाला है आगे. मुझे ये लगता है कि जो जर्नी मुझे 3-4 साल में कंपनीज की रही है, आगे जाते अगले 3-4 साल बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बहुत रैपिड फोर्स के साथ निकलने वाले हैं. FSIA पॉलिसी की जहाँ तक बात करें, इट्स द फर्स्ट स्टेप. अवनीश ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि उसमें कुछ चैलेंजेस हैं, बट वो आई थिंक एज अ इंडस्ट्री हम लोग भी बहुत एफर्ट डाल रहे हैं कि एक इंडस्ट्री को हम कलेक्टिव फॉर्म में इकट्ठा करें और जिससे हमारी एक सिंगल वॉइस हो जो गवर्नमेंट सुने, उसकी तरफ भी एफर्ट्स जा रहे हैं. एंड बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड गोइंग फॉरवर्ड कम्प्लीटली अलाउड यू विल फाइंड फ्रॉम फ्लावर्स टू डोसास टू एनीथिंग यू थिंक ऑफ एंड विल बी इन्फ्यूज्ड इन, बिकॉज इट इज सच अ सुपर फूड कैटेगरी दैट उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज इतनी इंपॉर्टेंट है और इतनी हाई है कि As Piyush ji said, it's right there in the superfood seed category. और इसकी कितनी applications हो सकती है ये हम भी नहीं सोच सकते. ये तो जितने आप creative होंगे आप उतनी applications create कर पाएंगे. इसकी it is that way. It is that way. That is how hemp food will form.
पीयूष जी ने फैट लाइन की बात करी, तो ये जो हेम सीड का जो ऑयल होता है उसके एडवांटेजेस की हमने बात करी, ओमेगा की बात करी, हमने सारी चीजों की बात करी। तो पेट्स में जितने भी मैमल्स हैं बेसिकली दुनिया में, उन सब में ये सेम सिस्टम होता है जिसको हम एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम बोलते हैं अपनी बॉडी में। My name is Rohit Chauhan and I am a cannabis cannabinoid extraction and research in my profession. I am a lifetime scientific member of the Kerala Society of Medicinal Cannabis. My this journey started back in 2016 when I received a scholarship from a European Union Research Congress, Master's degree. I reached to the ranks and over there I availed from the cannabis plant science topic for myself, and I did my master's in related to cannabis plant science. And after that, I joined Embra. It's like extraction company in Italy. There I like trained myself from the cultivation of cannabis plant, how to formulate, how to extract, how to develop a machine, how to develop a new kind of product line, what is the regulatory. So I trained myself over there. And I moved to India when the Uttarakhand state government released a policy. But they released a policy with the, like just a cut and copy paste from the Western countries. बिल ऑन कैनबिस। जब भी हम किसी बायोरिसोर्स में काम करते हैं तो सबसे पहले हमें बायोरिसोर्स में ये देखना होता है कि हमारी कंट्री के इकोसिस्टम में क्या है। तो हमारे यहाँ पे जो है कोई पौधा 0.3% प्रोड्यूस नहीं करता है टीएससी। टीएससी इज वन ऑफ द प्राइमरी कंपाउंड, वो हमेशा ज़्यादा इधर पर ये लैंड रेसिस हैं, ये अनआइडेंटिफाइड है। तो टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ इशूज वी डेवलप्ड लाइक प्रोजेक्ट दैट इज लाइक इंडियन classification of Indian landrace cannabis plant science. And under this project, we have different collaborations all around the world with the leading universities as well as leading research centers. And in India, we have a university partner, IIT Roorkee. With the help of them, we are classifying our strains genetically. We are trying to make it as a geographical identification. Our main aim is to make cannabis of India seem like a wine of Italy. कि अगर कैनाबिस का कोई प्रोडक्ट बना है, अगर वो इंडिया के रॉ मटेरियल से बना है, तो उसकी पूरे वर्ल्ड में एक वैल्यू भी अलग होगी। तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट एंड साइड बाय साइड वी आर मैन्युफैक्चरिंग लाइक कैनर्मा। तो टुडे आई एम प्रेजेंटिंग माय सेल्फ फ्रॉम कैनर्मा साइड। वी आर इन लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सट्रैक्शन मशीनरी एंड हेल्पिंग अदर्स फॉर द रेगुलेटरी एंड स्टैंडराइज द थिंग्स। वी आर ओवर हियर टू स्टैंडराइज ऑल कैनाबिस इंडस्ट्री विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। Thank you, Mr. Rohit and Team Boy. And last but not the least, we have a young dynamic entrepreneur, Mr. Vipul Gupta. He is representing Niagara today. He is the co-founder of Niagara. For organizing this event, and thank you for coming and making this event a success. My name is Vipul, and I am one of the co-founders at Niagara. So basically, we are a hemp and cannabis based brand. And we are into hemp food and nutrition as well as medical cannabis under a sub-brand named Cannashore. So how we started and our story is somewhat similar to what Karthik said. He was also in USA. So we, in 2017, from US, we went to this purpose. So there we saw that there are a lot of products that are being manufactured from hemp. And that captivated us. And when we studied and we did some research, and कि ये इंडिया से ही ओरिजिनेट होके बाहर गया है, दैट वॉज अ लाइक अ टर्निंग पॉइंट फॉर अस दैट वी नीड टू डू समथिंग इन दिस सेगमेंट एंड वी नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड द बेनिफिट्स ऑफ द हेम्प। सो एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग वी हैव बीन स्ट्रॉन्ग एडवोकेट्स फॉर लाइक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड समथिंग एंड वी ऑल्सो प्रमोट वीगनिज्म वी ऑल्सो प्रमोट आई मीन वी आवर फोकस इज ऑल्सो इन रिड्यूसिंग एनिमल क्रुएल्टी। सो जो हेम्प प्लांट है वो ये सब चीज़ें अलाउ करता है। इट इज़ हाईली इको फ्रेंडली, इट गिव्स यू ब्रिलियंट न्यूट्रिशनल एंड वीगन प्रोडक्ट्स एज वेल एज आई मीन इट क्रिएट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द होल इको सिस्टम। सो दैट इज वाई वी थॉट ऑफ द टैगलाइन एज बाय नेचर फॉर नेचर। आई मीन इट इज मेडिसिन दैट इज प्रोवाइडेड बाय नेचर फॉर ऑल लाइक ऑल सेगमेंट्स ऑफ द लाइक वेदर इट्स ह्यूमंस वेदर इट्स एनिमल्स वेदर इट्स नेचर। सो इट प्रोटेक्ट्स and it's very positive for all the segments. So we came back and we did some research, and finally I think the first lockdown that happened in COVID last year, it was a boon for us, it was a trigger point that we need to like spread this in all parts of India. So we started last year and we launched nutrition products which are like seeds, hemp protein powder,
which is also known as hemp seed flour or hemp seed powder, hemp seed oil. And we have been getting very good response from all the the customers that are using these products. I also would like to mention that these products are a great option for someone who is looking for gluten-free products, for someone who is looking for dairy-free products. And I think that is very understated that there are many people who are suffering from these conditions. So this is a very good alternative and natural alternative for all those people. तो आप किसी से भी कंपेयर करेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट रेशियो जो है वो प्रोटीन का इसके अंदर मिलता है। ओमेगा 3 ओमेगा 6 के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक ही फूड में सारे के सारे विटामिन और मिनरल्स मिलना भी बहुत चैलेंजिंग होता है, वो इसके अंदर पाया जाता है। एक मैक्सिमम रेशियो जिसकी अगर हम बात करें वो इसके अंदर मिलता है, एंड मिनिमम क्वांटिटी, जैसे मैंने बताया 2 या 3 चम्मच हेम्प सीड्स या आधा या 1 चम्मच हेम्प सीड ऑयल अगर आप डेली ले रहे हैं तो वो आपकी काफी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। आज की फास्ट लाइफ में हमें ऐसे सॉल्यूशन चाहिए जिसको हम क्विकली लें और वो हमें फायदा दे, एंड प्लांट बेस्ड है, हेल्दी है। बाय द वे जो इसका कल्टीवेशन का एस्पेक्ट है, रिसेंटली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ स्पीकर इन द हॉर्टिकल्चर इवेंट इन उत्तराखंड, एंड वहाँ पे काफी बात हुई एग्रीकल्चर लेवल पर भी। पौधा अपने आप उग जाता है, इसके लिए कोई पेस्टिसाइड कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती, एंड हमारी हिमालयन रेंज इज वेरी गुड फॉर द न्यूट्रिशनल एंड मेडिसिनल वैल्यू।